हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ बजाज पल्सर N250 2024 मॉडल का। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पल्सर N250 की प्राइसिंग की। बजाज पल्सर N250 आपको 151,000 एक शोरूम प्राइस पर मिलती है अपने राजयोग बजाज उदगीर शोरूम में। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर एक शोरूम प्राइस है बजाज पल्सर N250 की 151,000 रुपये। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करेंगे लुक्स की बात करते हुए। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में वही डिज़ाइन मिलता है, नए कलर और नए डिकैल्स आ चुके हैं, नए स्टिकर्स आ चुके हैं। सामने आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने मिलता है, DRL मिलते हैं और ये ब्लू कलर के स्टिकर्स आते हैं वाइट कलर के साथ। बाकी आपको फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक एड ऑन देखने को मिल जाएंगे, नया फीचर है ये। और यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड मडगार्ड देखने को मिलता है जो कि डबल लेयरिंग के साथ है, यहाँ पर ब्लैक कलर, यहाँ पर वाइट कलर। नीचे आपको बड़ा सा डिस्क मिलता है और टायर के ऊपर आप देख सकते हैं ब्लू कलर के स्ट्राइप्स आते हैं जो कि आपको अच्छे लगेंगे। और नीचे बेली पैन भी देखने मिलता है वाइट कलर में, प्लास्टिक का है। बाकी इसको पल्सर की बैजिंग यहाँ मिलती है, बड़ा सा टैंक आता है, 250 लिखा हुआ देखने मिलता है यहाँ पर N250 लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की सीट्स मिल जाते हैं जो कि स्प्लिट सीट है पल्सर की ब्रांडिंग के साथ। पीछे ग्रैब हैंडल देखने मिलता है, यहाँ पर डुअल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है आपको जो कि छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर डुअल पाइप देखने को मिल जाते हैं तो इसका साउंड भी बहुत बढ़िया आने वाला है। पीछे आपको नया मोटर टायर देखने को मिल जाएगा पल्सर N250 के अंदर। बाकी साइड प्रोफाइल से बाइक को देखेंगे तो साइड प्रोफाइल से भी N250 बहुत ही बढ़िया लगती है, फ्रंट से भी और रियर से भी, हर तरफ से बाइक बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। 250 cc कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग है, लेकिन इसके कॉपीड आते हैं N160 और N150, इसकी वजह से थोड़ा बाइक आउटडेटेड लगने लगती है। बाकी इसके अंदर अपसाइड डाउन फोक आने की वजह से और अच्छी लगने लगी है पल्सर N250। अब सीधा चलेंगे इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। तो यहाँ पर आपको नया फुल्ली डिजिटल मीटर मिलेगा, पहले ऐसा इंस्ट्रूमेंट कंसोल नहीं आता था, देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजिशन इंडिकेटर, टैकोमीटर। और यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्शन देखने को मिलता है, टाइम बताता है, इनिशियल फ्यूल इकॉनमी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी देखने को मिल जाता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन बताता है इसके अंदर। और यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल भी आ चुका है, इसलिए यहाँ पर TC लिखा हुआ आता है, ABS वार्निंग लाइट, इंजन चेक लाइट देखने मिल जाती है आपको, यहाँ पर न्यूट्रल लाइट, ये लो फ्यूल इंडिकेटर देखने मिलता है, लो ऑयल इंडिकेटर भी देखने मिल जाता है आपको। और इसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स आते हैं और इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है पल्सर N250 का। तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको फीचर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ नीचे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है आपको। यहाँ पर मोबाइल चार्ज करने के लिए USB पिन कनेक्ट करो और चार्ज करो मोबाइल को। बटन्स की बात करें तो राइट साइड में इंजन किल स्विच, इसके नीचे ये DRL ऑन स्विच और ये सेल्फ स्टार्ट बटन। लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको पीछे पासिंग स्विच मिलता है, पीछे की तरफ है ऊपर, यहाँ है पासिंग स्विच। और यहाँ पर आपको मेन्यू सेलेक्ट बटन मिलेगा, यहाँ पर इंडिकेटर वाला बटन आता है, इधर हॉर्न आता है और हॉर्न सुनेंगे अपन, अच्छा लाउड हॉर्न देखने मिल जाता है आपको इस बाइक का। रियर व्यू मिरर भी अच्छे मिल जाते हैं, N160 की भी ऐसे ही आते हैं रियर व्यू मिरर्स। बाकी आपको E20 की बैजिंग मिल जाती है इसके टैंक के ऊपर। अब चलते हैं फ्रंट की तरफ। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की बात करें तो हेडलाइट LED मिलेगी जो कि LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, दिखा दूँ आपको। यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है और DRL आते हैं और यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प की इल्यूमिनेशन भी अच्छी आती है। साथ ही साथ जो इसके इंडिकेटर हैं वो भी आपको LED मिल जाएंगे, कंपनी ने ये भी अच्छा किया। बाकी जो टेल लाइट है वो भी आपको LED मिलती है, देख सकते हैं आप। इसके अंदर ऑल LED सेटअप देखने को मिल जाता है आपको इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में। सस्पेंशंस की बात करें तो नए सस्पेंशंस आते हैं इसके अंदर, फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक है जो कि इसका बहुत बड़ा अपडेट है। नए अपग्रेड में आपको अपसाइड डाउन फोक मिल जाएगा और यहाँ पर रियर में मोनोशॉक मिलता है, देख सकते हैं पीछे मोनोशॉक मिलता है। ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS आता है, सामने 300 mm का बड़ा सा डिस्क आता है, डुअल चैनल ABS की ब्रांडिंग लाता है। और पीछे देखने को मिल जाता है 230 mm का डिस्क विद डुअल चैनल ABS, दोनों टायर पर ABS आएगा। टायर्स की बात करें तो अच्छे मोटे टायर मिलेंगे अब आपको पुराने मॉडल के कंपैरिजन में, पहले उतने मोटे टायर नहीं आते थे। सामने आपको 110/70 का टायर मिलता है, 17 inch अलॉय व्हील मिलता है और रियर में 140/70 17 inch अलॉय व्हील R15 जैसे टायर हैं और सामने का टायर तो R15 से भी ज़्यादा मोटा आता है। अब सीधा चलेंगे इंजन की तरफ। तो यहाँ पर आपको बजट में 250 cc का इंजन देखने मिल जाता है जो कि बजाज की तरफ से है। बजाज का यहाँ पर आपको इंजन मिलता है 249.07 cc, ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर, 4-stroke, 2-valve BS6 phase 2 compliant fuel injected इंजन जो कि मैक्स पावर निकालता है 24.5
5 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 21.5 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियरबॉक्स। कंपनी ने अभी तक इसके अंदर 6 स्पीड गियरबॉक्स नहीं दिया तो ये एक कमी लगी मुझे। बाकी इसके अंदर लिक्विड कूलिंग भी आना चाहिए था, लेकिन इसके पावर और टॉर्क फिगर्स बहुत अच्छे हैं। 24.5 PS की पावर अच्छी रहती है और 21.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। 5 स्पीड गियरबॉक्स से मेरे को शिकायत था, यहाँ पर 6 स्पीड गियरबॉक्स आना चाहिए था। माइलेज की बात करें तो 25 से 30 के एमपीएल का माइलेज आप उम्मीद कर सकते हैं इससे, या फिर 30 से 35 का भी मिल जाएगा आपको, तो माइलेज भी अच्छा मिल जाता है। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 14 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती है इसके अंदर, अच्छी है टैंक कैपेसिटी। और सीट हाइट की बात करें तो 795 mm की सीट हाइट है, जो कि 5 फीट 5 इंच वाले बंदों के लिए परफेक्ट है। उससे कम हाइट है तो थोड़ा दिक्कत होगी आपको। और साथ ही साथ सीट कम्फर्ट की बात करें तो यहाँ पर राइडर प्लस पिलियन दोनों के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाती है। देख सकते हैं आप, राइडर हो गया पिलियन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है पल्सर N250 के ऊपर। ओवरऑल वेट की बात करें तो 164 kg इसका कर्व वेट है, 250 cc के हिसाब से ठीक ठाक है इसका कर्व वेट। और यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है विथ मेन स्टैंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। तो ये सभी फीचर्स की आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी पल्सर N250 के अंदर, ये सब आपको चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। बाकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी आती है इसके अंदर, और इसके अंदर जो अपडेट्स आए जैसे कि मोटर टायर्स और डुअल चैनल ABS, साथ ही साथ इसके अंदर अपसाइड डाउन फोक, फुल डिजिटल मीटर और इसके नए स्टिकर्स, ग्राफिक्स, तो इसकी वजह से बाइक अच्छी लगने लगी है। और 151,000 रुपये एक शोरूम प्राइस में मेरे को लगता है एक अच्छा ऑप्शन है। अब इसका साउंड सुनेंगे, आपको साउंड कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आपको साउंड कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को इसका साउंड बहुत ज़्यादा पसंद आया, डुअल बैरल एग्जॉस्ट से अच्छा खासा साउंड आता है, एयर फ्लो भी अच्छा है और यहाँ आपको प्रोजेक्टर्स भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर मेरे को क्या क्या पसंद आया बताऊँ क्या, एक तो इसका लुक, दूसरी चीज़ इसके नए स्टिकर्स, तीसरी चीज़ इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED इंडिकेटर्स, मोटर टायर्स, सस्पेंशन भी बढ़िया हैं और ब्रेक्स भी डुअल चैनल ABS के साथ हैं और बड़े साइज़ के हैं और पावर फिगर्स भी अच्छे देखने मिलते हैं। तो इनिशियल पिकअप और मिड रेंज जो है बहुत ही अच्छा मिलने वाला है पल्सर N250 से आपको। बाकी ये बाइक किसके लिए सही रहेगी, अगर आपका बजट 2 लाख रुपए का चल रहा है और आपको MT15 नहीं पसंद है लेकिन पावर ज़्यादा चाहिए, 250 cc की बाइक चाहिए, तो बजाज पल्सर N250 आपको ये सब चीज़ें ऑफर कर सकती है। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलेगी आपको, इनिशियल पिकअप हो या मिड रेंज बहुत तगड़ा आता है। टॉप एंड में थोड़ा बहुत ये पीछे रह जाती है क्योंकि 2-valve इंजन है, 4-valve इंजन होता तो और अच्छा होता। बाकी आपको किसी भी फीचर्स की कमी देखने को नहीं मिलती इस बाइक के अंदर, बस इसके अंदर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी और 6 स्पीड गियरबॉक्स आना चाहिए था। बाकी मोटर टायर्स तो मिल जाते हैं आपको और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बेली पैन। बाकी इंजन भी अच्छे कलर में आता है, अप 250 की ब्रांडिंग है, बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। 6 स्पीड गियरबॉक्स और लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर आना चाहिए था और डोमिनार 250 ये सब चीज़ें लेके आती है। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर N250 2024 मॉडल का रिव्यू दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।